एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बुधवार को बसपा के कार्यकर्ताओं ने झज्जर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। बसपा कार्यकर्ता जटिया धर्मशाला से जुलूस प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान शहर भर में काफी संख्या में पुलिस भी तैनात रही। लघु सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उक्त फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले में लोगों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा द्वारा मिलीभगत करके आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम इस साजिश को किसी भी तरीके से सफल नहीं होने देंगे। आज पूरे देश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रत्येक विधानसभा में ये प्रदर्शन है। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, SC ST वर्गीकरण को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जैसे ही फैसला आया तो बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ये जो फैसला है ये समाज के लिए देश के लिए ठीक नहीं है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश किए कि जो 21 तारीख का जो भारत बंद है उसमें बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में शामिल होगी, और आज जिला झज्जर में बहुजन समाज पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी गण आज माननीय DC साहब को माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और आज हम अभी ज्ञापन माननीय DC साहब को देंगे। बसपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय भाजपा सरकार से मांग की है कि सरकार एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को निरस्त करे। बता दें कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, जिसके बाद मायावती ने इस फैसले में संशोधन करने की बात कही थी। पूरे देश में आज इसके खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आप इस मामले में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। झज्जर से जगदीप सिंह की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।